इस मैदान में एक शानदार दृश्य, बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेना और अपनी ड्राइंग कला को यहां पर प्रदर्शन दिखाना, और जो थीम दिया गया है वो है कुरान मजीद का के वर्सेस का विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, और बच्चों को वर्सेस दिए गए हैं, उसको विजुअलाइज करेंगे बच्चे और उसको ड्राइंग के जरिए से वो स्केच करेंगे, पेंट करेंगे और अपनी इस कला को वो यहाँ पर दर्शाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी ये यंग जनरेशन, यूथ जनरेशन स्पोर्ट्स के जरिए समाज के लिए बेनिफिशियल यूथ बने। इस तरह हमारे जो बच्चे जो हमारे प्रेजेंट भी हैं और हमारा जो फ्यूचर भी है उनके अंदर की टैलेंट्स और स्किल्स भी आगे बढ़े और वो समाज के लिए एक बेहतरीन सिटीजन, इंसानों के लिए फायदामंद पर्सनालिटीज, बुराई को मिटाने वाले, भलाई को फरोग देने वाले, आगे बढ़ाने वाले इंसान बने और इस जरिए से समाज का, इंसानों का और इस देश की उन्नति में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे। जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया मुमरा यूनिट के जानिब से आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम नौजवानों की एनर्जीज को, नौजवानों की चुस्ती को, फुर्ती को स्पोर्ट्स के जरिए से उनके अंदर फिटनेस, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, उस जरिए से वो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले नौजवान नशे से मुक्त, बुराई से मुक्त, शराब से मुक्त, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले सारे कामों से वो मुक्त होकर अपने आप को डेवलप करें, अपनी जिंदगी को संवारें, समाज के बुराइयों को मिटाएं, भलाई को प्रमोट करें और एक अच्छा समाज को निर्माण करने में उनका योगदान दें। ड्राइंग कंपटीशन खत्म होने के बाद हम लोग क्विज कंपटीशन का आगाज करेंगे। जो बच्चे अभी ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए वो रुके रहे और क्विज कंपटीशन का इंतज़ार करें। अभी हम हमारी बहनों और बच्चियों से भी सवाल करेंगे और बच्चों से भी, आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि सवालात पूछे जाने वाले हैं तो उसका जवाब कैसे देना है। क्विज कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं, सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो ज़बान से बोलना नहीं है, सिर्फ अपने हाथ उठाकर इशारा देना है कि मैं इस सवाल का जवाब दूंगी या दूंगा। हम आप माइक पहुंचाएंगे और माइक में आपका जवाब सुनेंगे। अगर आपका जवाब सही रहा तो आपके पास में चॉइस रहेगी कि हमारे काउंटर पे जो भी कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं उसमें से आपका दिल जो चाहता है वहां से उठा सकते हैं आप। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक चेक 1 2 3 हेलो चेक, हेलो 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 अभी आ रही है बराबर, वो कोने में, ये कोने में। क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन के बाद में फौरन जो है क्विज कंपटीशन खिलाया जाएगा मैच के ब्रेक में। आप सभी हजरात और बच्चे और बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि क्विज कंपटीशन का इंतजार करें। टीम का इस्तकबाल करते हैं ग्राउंड पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द डिग्निटरीज कमिंग ऑन डायस। मेहमानान का सब तालियों के साथ इस्तकबाल करें। के मेडिकल पार्टनर हैं अलहयात हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी आपके जरिए प्रोवाइड की जा रही है।
अल हयात हॉस्पिटल की पूरी टीम, मैनेजमेंट टीम हमारे दरमियान मौजूद है। रिफॉर्मेशन कप मैनेजमेंट टीम की जानिब से हम आप सभी डॉक्टर्स का, अल हयात हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हम सारे दर्शकों को भी इस मैदान पर, इस टूर्नामेंट में वेलकम करते हैं। पेरेंट्स, बच्चे, नौजवान, मुमरा के फुटबॉल प्रेमी, फुटबॉल फैन सबको हम रिफॉर्मेशन फाउंडेशन, रिफॉर्मिंग सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स की जानिब से आप सबका याद रहे। अल हयात ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स रिफॉर्मेशन कप के मेडिकल पार्टनर हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपके जरिए प्रोवाइड की जा रही है। जमा इस्लामी हिंद, यूथ विंग, SIO और रिफॉर्मेशन कप की मैनेजमेंट टीम आप सभी का इस्तकबाल करती है। इससे पहले भी अल हयात ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने ताउन किया है, इससे पहले जो रिफॉर्मेशन कप हुए हैं उसमें भी, और जमा इस्लामी की जानिब से जो एक्टिविटीज़ की जाती है, सोशल एक्टिविटीज़, उसमें भी आप लोगों का ताउन रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम लोग मिलजुल कर इस शहर को डेवलप करने के लिए काम करते रहेंगे, इस शहर की नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। समाज की उन्नति और सोसाइटी का की इर्तका नौजवानों के जरिए से, इसी उद्देश्य को अब्दुल सलाम भाई हमारे मुमरा के वासियों से ताउन और फिर उनकी ताउन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। यहाँ पर मैच बहुत ही अच्छे रोमांचक स्टेज में यहाँ पर दो टीमों के बीच में खेला जा रहा है, कौसा प्रॉपर्टी वर्सेस यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच चौथा मैच यहाँ पर। इससे पहले का मैच पेनल्टी शूट आउट के जरिए से एस्टेक फुटबॉल क्लब ने जीता था। अभी फोर्थ मैच, बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, गोल किक होगा। ये 10वां एडिशन है रिफॉर्मेशन कप 2022 में। 10 साल रिफॉर्मेशन स्पोर्ट्स फाउंडेशन अपने 10 साल मुकम्मल करते हुए समाज की उन्नति में नौजवानों का, बच्चों का किरदार, उनका रोल, नशे से मुक्त, शराब से मुक्त, नशे से मुक्त, बुराइयों से मुक्त समाज, और उसमें नौजवान अपनी चुस्ती, फुर्ती, मेहनत, अपनी क्रिएटिविटी तमाम को समाज के और इंसानियत के लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से ये टूर्नामेंट जमात इस्लामी हिंद, यूथ विंग और SIO की जानिब से आयोजित किया जाता है। इसमें बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर्स, वेल विशर्स, जिन्होंने अभी तक पूरे 10 साल में सपोर्ट किया है, उन सब के हम आभारी हैं, हम शुक्रगुजार हैं। और ये बॉल गोलकीपर के पास आसानी से बॉल पास हुआ और बॉल को संभालते हुए कौसा के खिलाड़ी अपने पार्टनर को बॉल देते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा वहाँ पर कोशिश, लेकिन पोजिशन को लूज़ किया यूनाइटेड के पास। गेंद दोबारा वापस पोजीशन मिलता हुआ कौसा प्रॉपर्टी के खिलाड़ी के पास, बॉल लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर, बहुत ही जबरदस्त वहां पर डॉचिंग, वहां पर खिलाड़ी बॉल पोजीशन स्टिल विद कौसा प्रॉपर्टी, वहां पर अच्छी पासिंग कोऑर्डिनेशन, देखना है कि क्या गोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। लॉन्ग वाली किक, वहां पर हेडर की कोशिश और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी डी एरिया में क्रिएट हुई थी, और ये बहुत ही अच्छा रोमांचक मोमेंट इस मैच में। थोड़ी और कोशिश और गोल की वहां पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन बहुत ही अच्छा पर दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन। थ्रो इन होगा वहां पर, कौसा के खिलाड़ी थ्रो इन करते हुए हेडर के जरिए से बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, और एक और थ्रो इन होगा फॉर कौसा प्रॉपर्टी। ग्रे जर्सी में खेलते हुए कौसा प्रॉपर्टी की टीम, ब्लू जर्सी में खेलते हुए यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ये चौथा मैच यहाँ हाफ देखने को हमें मिल रहा है, और कोई अभी तक गोल नहीं स्कोर किया है अभी दोनों टीमों ने। स्कोर 0-0, 0-0 द स्कोर। दिस विल बी अ कॉर्नर किक फॉर कौसा प्रॉपर्टी और अपील फॉर अ हैंडबॉल, बट सिग्नल फ्रॉम द मैच रेफरी मोहम्मद सुफियान। This is going to be a show. Wow! What a shoot, but misses the goal post by a few inches. It should have been the goal, but wonderful shoot that from Kausa property player. That's an excellent football in progress here between these two teams.
playing in blue jersey are United Football Club, playing in the grey jersey are Khausa Property Football Club. And that was a rocket shoot, missing the bar by just a few inches. Pehla goal ho sakta tha yahan par, goal kick half a mark clear karte hue gend khiladi ke paas, wahan par gend bahut hi acha long wali pass, wahan par khiladi do bar dorte hue d area ke andar, lekin defender kafi chus ball ko clear kiya, apne khiladi ko dene mein kamyab, khiladi lekar goal aage badhte hue wahan par ek aur martaba jo shoot karte hue unhone गोल करने की कोशिश की, बॉल उनके पास इस वक्त मौजूद, खिलाड़ी की तलाश में पास किया, बहुत ही अच्छा वहां कोऑर्डिनेशन, गेंद को आगे लेके बढ़ते, लेकिन डिफेंडर ने बॉल को ठोका, वहां पर एक और शूट, बॉल गोली के हाथ में बहुत ही आसानी से कलेक्ट होगा, कोई चांस नहीं है, शून्य शून्य का इस वक्त का स्कोर। फर्स्ट हाफ का ये मैच अभी तक बहुत ही अच्छे अंदाज में कौसा प्रॉपर्टी और यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच खेला जा रहा है। ये डूड डे टू सीनियर कैटेगरी का पहला दिन, जूनियर्स का मैच कल प्रदर्शन में आया था, उनके दो सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। और यहां पर एक और चांस को लेकर आगे बढ़ते हुए, वहां पर यह मौका होना चाहिए, वहां पर अच्छी कोऑर्डिनेशन, डिफेंस भी काफी चुस्त और बॉल क्लियर करने में कामयाब, बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया और यह होता है गोल किक। वहां पर लग तो रहा था कि गोल होगा, लेकिन फिर वहां अच्छी डिफेंस के जरिए वहां बॉल को क्लियर किया गया। निहाल सगीर साहब जमासला में हिंद मीडिया सेल के टीम मेंबर निहाल सगीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, यूथ विंग जमासला में हिंद एसआईओ और जमासला में मुमरा कोसा रिफॉर्मेशन कप मैनेजमेंट टीम की जानिब से निहाल सगीर साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान आए नौजवानों को हौसला अफजाई करने के लिए आपका इस्तकबाल करते हैं। निहाल सगीर साहब, मीडिया टीम जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र। जहां एक तरफ मैच नौजवान अपनी स्फूर्ति के साथ खेल रहे हैं, तो वहीं हमारे प्यारे नन्हे बच्चे मैदान में ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए, यहां पर दोनों टीम का अच्छा संघर्ष। ब्लू जर्सी के खिलाड़ियों के पास गेंद, इस वक्त पोजीशन डी एरिया में तकरीबन शामिल हो चुके हैं वहां पर, और ये बॉल आउटसाइड प्लेइंग एरिया और मिलेगा। ड्राइंग कंपटीशन का लास्ट 5 मिनट बचा है, बस लास्ट 5 मिनट बचा है सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन का। जिन बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन हो चुका है वो अपना पेपर जमा करा दें नसीम भाई के पास। कॉर्नर किक मिलता है यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए, देखना है कि वो कन्वर्ट करेंगे और अपनी टीम का पहला गोल वहां पर यूनाइटेड खिलाड़ी बना पाएंगे। हेडर था लेकिन बॉल गोल पोस्ट से काफी दूर, कोई संभावना नहीं, स्कोर अभी भी 0-0, स्कोर लाइन 0-0। दोनों टीमों ने अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं किया है, लेकिन अच्छा मैच चलता हुआ, काफी टाइट मुकाबला, दोनों खिलाड़ी यहां पर बहुत ही तैनात चुस्त। अच्छा बॉल वहां पर लॉन्ग वॉली, बॉल को संभाला वहां पर डी एरिया के अंदर, खिलाड़ी को देखना चाह रहे हैं। और हेलो, हेलो, ड्राइंग कंपटीशन का लास्ट 2 मिनट बचा है बस। प्रॉपर्टी के लिए फ्री किक, मेन मैच रेफरी मोहम्मद सुफियान, वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड, ये रिफॉर्मेशन कप स्टेट लेवल का दर्जा, स्टेट लेवल स्टेट कंपटीशन। फ्री किक वहां, कौसा प्रॉपर्टी के खिलाड़ी स्ट्रेटेजी चेंज किया उन्होंने,
लेकिन स्ट्रैटेजी नाकाम होते हुए अच्छा बॉल, अच्छा संभाला बॉल को, वहां पर बॉल पोजीशन जरूर था लेकिन खास फायदा नहीं उठा पाए। खौसा के पास दोबारा बॉल पोजीशन, अपने खिलाड़ी को पास देते हुए पोजीशन फिर दोबारा उन्हीं के पास, मिडफील्डर वहां पर फॉल और फ्री किक पास किया, बॉल को संभालगा लॉन्ग वाले किक और डिफेंडर वहां पर जरूर रोकेंगे और अच्छी तरह वहां पर बॉल को कंट्रोल करते हुए बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया विल बी अ थ्रो इन फॉर कौसा प्रॉपर्टी। अभी तक काफी अच्छा बॉल पोजीशन रखने में कामयाब, थ्रो इन वहां पर खिलाड़ी, थ्रो इन लिया, दोबारा टच, बॉल को संभालेंगे लेकिन जब तक बॉल को संभाला बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, थ्रो इन का लाभ जरूर उठाएंगे, थ्रो इन के लिए वहां पर खिलाड़ी तैयार, दूर से आकर थ्रो इन किया और डिफेंडर ने अच्छा वहां पर चेस्ट किया कि हेडर के साथ, वहां पर एक और कोशिश और हेडर वहां पर जरूर लेकिन गोलकीपर चुस्त और आगे बढ़कर संभालते हुए, डेंजर सिचुएशन वहां गोलकीपर के लिए था लेकिन बहुत ही चुस्ती के साथ अच्छी गोलकीपिंग का मुजाहरा वहां पर, बहुत ही शानदार तरीके से खिलाड़ी बॉल को आगे लेके बढ़ते हुए अपने खिलाड़ी को बॉल वहां पर पास किया, दैट्स अ वंडरफुल शूट, बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पर फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप से वहां पर प्रेरणा हासिल करते हुए यहां पर खिलाड़ी रॉकेट शूट करते हुए और उसी तरह का एक शूट अभी आपको देखने में मिला। अच्छी फुटबॉल यहां पर इस मुमरा के फुटबॉल मैदान में, वहां पर पोजीशन दोबारा कौसा प्रॉपर्टी के पास, एक और कौसा के खिलाड़ी के पास गेंद, बॉल को संभालते हुए आगे लेकर गए, शूट किया लेकिन वहां पर गोलकीपर दौड़कर बॉल को फील्ड एरिया के अंदर रोकते हुए और गोलकीपर का ये अच्छा सेव और इन फैक्ट गोल किक होगा वहां पर। अभी तक 0-0 का स्कोर, लॉन्ग वॉली किक तकरीबन मैदान के थ्री फोर्थ हिस्से को क्रॉस करता हुआ, बहुत ही अच्छी पासिंग वहां पर, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन लेकिन ज्यादा देर तक पोजीशन नहीं रख पाए। इस वक्त एक और चांस वहां पर यूनाइटेड खिलाड़ी के पास, यूनाइटेड एफसी के पास, बहुत ही शानदार वहां पर बॉल था और उतनी ही स्फूर्ति के साथ वो हेडर लिया गया लेकिन गोल नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही शानदार फुटबॉल, यही दर्शक चाहते हैं, गोल तो एक गेम का पार्ट है, जीत और हार पार्ट ऑफ द गेम बट एक्सीलेंट फुटबॉलिंग स्किल्स। अभी हाल हाल में वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल हुआ और उस टूर्नामेंट को देखकर खिलाड़ी काफी नए स्किल्स यहां पर इस टूर्नामेंट में लाए हैं, रॉकेट शूट्स आपको देखने में मिल रहे हैं, अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी पासिंग, बहुत शानदार हेडर्स भी यहां आपको देखने में मिल रहे हैं। अभी तक कोई स्कोर नहीं लेकिन 0-0 का स्कोर, क्या ये चांस हो सकता है, अच्छी पास वहां पर, डिफेंडर भी उतने ही चुस्त वहां पर, उतनी ही अच्छी फुटबॉल वहां पर डिफेंडर के जरिए, यूनाइटेड के डिफेंडर बॉल क्लियर करते हुए थ्रो इन के जरिए कौसा के पास, अच्छा चेस किया, वाओ, इट्स अगेन बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, नो गोल, बॉल वेरी फार ऑफ फ्रॉम द बार एरिया, फ्रॉम द पेनल्टी एरिया एंड बॉल गोइंग आउटसाइड द एरिया विल बी अ गोल किक, स्कोर लाइन 0-0 सो फार दिस मैच प्लेड बिटवीन कौसा प्रॉपर्टी वर्सेस यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, फर्स्ट हाफ इन प्रोग्रेस, द मेन मैच रेफरी ऑफ दिस मैच मोहम्मद सुफियान, बॉल विद द पोजीशन ऑफ कौसा प्रॉपर्टी, एक और कौसा के खिलाड़ी, ग्रे जर्सी में खेलते हुए कौसा की टीम, अच्छी कोऑर्डिनेशन अभी तक हुई है लेकिन एहतमाम कर दिया गया है, तमाम लोग वजू बना ले साइड द प्लेइंग एरिया, यूट्यूब पर इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव आप लोग इस लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने फुटबॉल प्रेमियों के साथ, अपने फ्रेंड्स जो मुमरा के बाहर, इसी के साथ विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फोर्थ मैच ऑफ डे टू इन द रिफॉर्मेशन कप 2022, स्कोर लाइन 0-0,
इन फेवर ऑफ बोथ द टीम्स। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे रोमांचक सेकेंड हाफ के लिए। तब तक के लिए हम बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन और क्विज कंपटीशन की तरफ जाते हैं। इसी के दरमियान नमाज का भी इंतजाम किया गया है। ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, हिफाजत भाई प्लीज टेक ओवर। ये वाला हफ में जो है तमाम ही लोग वजू बना लें, इसके बाद वाले हफ में फौरन नमाज अदा की जाएगी। हफ खत्म होने के फौरन बाद में जो है यहाँ पर जमात खड़ी की जाएगी। तमाम ही लोगों से गुजारिश है जो यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद है वो वजू खाने में वजू बना ले। वजू के लिए वहाँ पर हमारे बहुत सारे बेसिंग्स लगे हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ भी है जेंट्स के लिए कौन सा है और लेडीज के लिए कौन सा है। ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन के तमाम बच्चों ने पेपर्स जमा करा दिए। प्राइस के पास से बच्चे थोड़े दूर हो जाए, प्राइस के पास से बच्चे दूर हो जाए। बाबू हटियाओ मेरी बहनों से भी सवाल पूछा जाएगा। नमाज के फौरन बाद में क्विज कंपटीशन का एक सिलसिला जो हर साल रिफॉर्मेशन कप 2020 के अंदर भी किया जाएगा। बहनों के लिए अलग से जगह तय करेंगे हम लोग, वहाँ पर बहनों से सवालात पूछे जाएंगे। दूसरे साइड जो बच्चों से हमेशा पूछे जाते हैं, अब की मर्तबा भी पूछा जाएगा। नमाज के फौरन बाद क्विज इस्लामिक क्विज कंपटीशन का आगाज कर दिया जाएगा। हेलो बच्चों का ये खूबसूरत समा, उनकी एनर्जी, उनकी जस्तुजू ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन में और बहुत सारे मैचेस आज खेलने बाकी हैं और बहुत सारे प्राइजेस बच्चों को दिए जाएंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को इस मैदान में लाएं, क्विज के अंदर, ड्राइंग के अंदर और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाएं। मैच के इस हाफ टाइम ब्रेक में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जूनियर बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्विज कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, इनामात भी दिए जाएंगे। और इस पूरे टूर्नामेंट का मकसद समाज के अंदर बुराई को मिटाना, भलाई को प्रमोट करना और उस पूरे काम के अंदर नौजवान टीन्स अपने रोल को, अपने कंट्रीब्यूटरी रोल, अपने बेनिफिशियल रोल को यकीनी बनाएं, नशे से मुक्त रहें, बुराई से मुक्त रहें, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी सलाहियतों को, अपने स्किल, अपने टैलेंट को खुद की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, अपने समाज की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, अच्छा समाज बनाएं और अच्छा हिंदुस्तान बनाने में अपना योगदान दें, अच्छे सिटीज़न, अच्छे शहरी, अच्छे इंसान बनना, यही हमारी दुनिया में भी कामयाबी और फिर जब हम इस दुनिया से जाएंगे उस वक्त भी हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 10 साल से चला आ रहा ये कारवां रिफॉर्मेशन फाउंडेशन, रिफॉर्मेशन स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जिसका पंचलाइन है रिफॉर्मिंग सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स, अपने 10 साल में शामिल हो चुका है और लगातार 10वां साल, 10 साल के बाद ये 10वां साल कौसा मुमरा के इस मौलाना आज़ाद स्टेडियम में खेला जा रहा ये फुटबॉल टूर्नामेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। 16 टीम इसमें भाग ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो मुमरा से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, मुख्तलिफ जगहों से, आसाम एवेंजर्स यानी आसाम की भी एक टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है। नॉकआउट स्टेज, नॉकआउट मोड पर इस टूर्नामेंट को खिलाया जाता है।
जो मैच टाई हो जाता है तो वो शूट आउट के जरिए डिसाइड होता है। दूसरा हाफ यहां पर अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। वी आर रेडी टू वॉच द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन कौसा प्रॉपर्टी एंड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। कौसा प्रॉपर्टी प्लेइंग इन ग्रे, यूनाइटेड फुटबॉल प्लेइंग इन ब्लू। सेकेंड हाफ, ओह व्हाट अ शूट, स्ट्रेट टू द गोल, वेल कलेक्टेड बाय द गोलकीपर एंड दैट्स अ अग्रेसिव स्टार्ट। बहुत ही वहां जोशीला स्टार्ट दूसरा हाफ। यहां पर यह चौथा मैच, यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से डी एरिया के अंदर प्रवेश किया लेकिन डिफेंडर चुस्त थे और उन्होंने बॉल को रोका, डिफेंड किया और बॉल आउटसाइड डी एरिया। कॉर्नर क्रिक यहां पर शायद मिल सकता है। मनोज स्क्वायर यानी मनोज पटेल और मनोज दिवाकर हमारे असिस्टेंट रेफरीज, लाइन रेफरीज और असिस्टेंट रेफरीज के रोल में मनीष दिवाकर और मनीष पटेल, मेन मैच रेफरी मोहम्मद सूफियान। और यह मैच खेला जा रहा है कौसा प्रॉपर्टी और यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच। ब्लू जर्सी में खेलते हुए यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और ग्रे जर्सी में खेलते हुए कौसा प्रॉपर्टी। ये फ्री किक यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के फेवर में। अभी तक कोई गोल इस मैच में स्कोर नहीं हुआ है, 0-0 का स्कोर। बहुत ही अच्छा फ्री किक, दिस इज द गोल फॉर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। व्हाट अ वंडरफुल फ्री किक एंड अ सुपर्ब हेडर, गोल नंबर वन, लीडिंग द गोल फॉर द टीम यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। 1-0 से आगे इस मैच में सेकेंड हाफ के अंदर शुरुआत में अपनी पकड़ जमाते हुए। एक्सीलेंट फुटबॉल, एक्सीलेंट फ्री किक टेकन एंड अ वंडरफुल हेडर एंड दैट्स कॉल्ड अ वैलिड गोल फ्रॉम मैच रेफरी। रिप्ले के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर शानदार हेडर के जरिए से फ्री किक एंड दैट्स द हेडर एंड द गोल। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनाइटेड फुटबॉल क्लब लीडिंग विथ 1-0। मैच में यहां पर अब रोमांच आएगा इसलिए कि कौसा प्रॉपर्टी यहां पर इक्वलाइजर की तलाश। फारूक आसरे साहब जहां कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाए। फारूक आसरे साहब जहां कहीं भी हो उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज के पास आ जाए। बहुत ही अच्छी वहां कोऑर्डिनेशन, अच्छा पासिंग वहां पर। पोजीशन अभी भी इस वक्त यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों के पास, वहां पर छीनने की कोशिश हो रही है लेकिन बॉल पोजीशन यूनाइटेड खिलाड़ियों के पास है। और अच्छा वहां पर शूट, बॉल स्टिल इन द प्लेइंग एरिया, कोई सिग्नल नहीं रेफरी द्वारा। यूनाइटेड फुटबॉल खिलाड़ी पोजीशन लूज करते हुए वहां पर कौसा प्रॉपर्टी गेनिंग द पोजीशन। वहां पर जरूर कोशिश होगी इक्वलाइजर की, बॉल डी लेकिन आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, चांस था लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाए, कर पाए। लेकिन आपके लिए इस मैच में गोल स्कोर किया गया है, 1-0 का स्कोर लाइन इन फेवर ऑफ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ब्लू जर्सी में खेलते हुए यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इस सेकेंड हाफ के शुरुआत ही मिनटों में बहुत ही शानदार हेडर के जरिए से गोल करने में कामयाब। वहां पर लॉन्ग वाली फुट गोल किक लेते हुए खिलाड़ी हेडर के जरिए से बॉल को कंट्रोल किया, वहां पर बॉल एयर में संभाला, पास किया, अच्छा कोऑर्डिनेशन। क्या दूसरे गोल की तलाश में लेकिन पोजीशन कुछ खोते हुए, बॉल इन एयर विल बी आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, विल बी थ्रो इन। दोनों बहुत ही अच्छे टीम्स यहां पर, दोनों अच्छे खिलाड़ी, 1-0 के स्कोर से आगे यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी। बॉल आउटसाइड, थ्रो इन, बहुत ही जल्द थ्रो इन लिया वहां पर, बॉल को संभालते हुए, गुड कंट्रोल ऑफ द बॉल, बॉल स्टिल विद यूनाइटेड, गुड पासिंग, वंडरफुल कोऑर्डिनेशन, वहां डिफेंस मौजूद। क्या उसको ब्रेक करेंगे और दूसरा गोल की तरफ वहां पर वो जाना चाहेंगे लेकिन बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया। रेफरी का इशारा वेट करना पड़ेगा, वहां पर थ्रो इन मिलेगा यूनाइट कौसा प्रॉपर्टी के लिए, थ्रो इन मिलेगा। मेन मैच रेफरी मोहम्मद सूफियान और असिस्टेंट रेफरीज मनीष पटेल एंड मनीष दिवाकर। कौसा प्रॉपर्टी के खिलाड़ी बॉल को अपने कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ही अच्छी वहां पर ड्रिबलिंग स्किल्स,
दो खिलाड़ियों को पार करते हुए बॉल अपने आप में संभाल के रखा, लेकिन पोजीशन को लूज किए, दोबारा वापस पोजीशन, बैक टू कौसा प्रॉपर्टी, वंडरफुल फुटबॉल प्लेड देयर, गुड कोऑर्डिनेशन, लेकिन बहुत अच्छी तरह वहां पर बॉल को छीना और डी एरिया में प्रवेश करते हुए खिलाड़ी यहां पर शूट करने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन गोलकीपर बहुत चुस्त, अच्छे एंगल को कवर किया, बॉल आसानी से कलेक्ट किया और बहुत थ्रो करने में कामयाब। यहां पर इस वक्त गौसा प्रॉपर्टी इक्वलाइजर की तलाश में जरूर अग्रेसिव फुटबॉल खेलेंगे और देखने को मिल रहा है, लेकिन बॉल पोजीशन संभाल कर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, ये पूरी कोशिश होगी, अच्छा बॉल वहां पर और यहां पर विल बी देयर चांस, इट्स अ गुड शूट बट बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द गोल, दैट शुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड चांस फॉर द इक्वलाइजर। इक्वलाइजर क्या बड़ा सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये जरूर थी कौसा प्रॉपर्टी के लिए मैच में वापस आने के लिए, लेकिन एंगल से चूके और गोल वहां पर करने में नाकाम। दोबारा पोजीशन बैक टू कौसा प्रॉपर्टी और विल बी अ कॉर्नर किक, कॉर्नर किक मिला है इस वक्त कौसा प्रॉपर्टी के लिए और आई थिंक दिस शुड बी अ गोल्डन चांस फॉर कौसा प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट दिस। इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी, अगर इस मैच में वापस बाउंस बैक करना हो तो कॉर्नर किक लेने के लिए वहां खिलाड़ी तैनात। अच्छा बॉल डी के अंदर और सीधा गोलकीपर के हाथ में, शानदार वहां पर गोलकीपिंग, बहुत ही सही एंगल उन्होंने कवर किया, खिलाड़ी पर नजर रखा और वहां पर गोल कलेक्ट करते हुए कामयाब। गोलकीपर अपना समय लेते हुए गोल किक को किक किया, बॉल हाफ वे मार्क को क्रॉस करते हुए वहां पर यूनाइटेड के खिलाड़ी ने संभाला। दोबारा पोजीशन बैक टू कौसा प्रॉपर्टी, बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए अच्छा संभाला, बहुत अच्छी पास, गुड बॉल, दैट वाज वेल कंट्रोल देयर, बॉल इन इन प्लेइंग एरिया, बट अब इस वक्त बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, विल बी अ थ्रो इन फॉर कौसा प्रॉपर्टी। ये चौथा मैच रिफॉर्मेशन कप 2022 का दो बहुत ही अच्छी टीमों के बीच खेला जा रहा है यह मैच। थ्रो इन लेते हुए वहां कौसा प्रॉपर्टी खिलाड़ी डी एरिया के बाहर बॉल को कंट्रोल किया, फिर दोबारा एक और बार पोजीशन कौसा प्रॉपर्टी खिलाड़ी के पास, गोल उनके लिए बहुत जरूरी इस वक्त, मैच में वापस आने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। यूनाइटेड के खिलाड़ी गोल को टारगेट करने में कामयाब रहे, दोबारा बॉल को लेकर आगे बढ़ते, वहां देखिए रोमांचक तरीके से बहुत तेज दौड़ के साथ फिर बॉल पोजीशन दोबारा यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास, पासिंग में थोड़े चूके, पोजीशन लूज किया, तेजी के साथ गेल को लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर बॉल प्लेइंग आउटसाइड द एरिया, थ्रो इन मिलेगा कौसा प्रॉपर्टी के लिए, उनके लिए जरूरी है कि लॉन्ग वॉलीज खेलें अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ, एक गोल करना बहुत जरूरी, बहुत अवश्य इस मैच में अगर बाकी रहना हो। अच्छा वहां पर बॉल, लेकिन गुड कंट्रोल, खिलाड़ी की तलाश में, वहां पर लॉन्ग बॉल है लेकिन डिफेंडर उसको आसानी से क्लियर करेंगे, उन्होंने वही किया, हेडर से बॉल रेफरी की वहां पर येलो कार्ड, इस मैच का पहला येलो कार्ड, मेन रेफरी मोहम्मद सुफियान, असिस्टेंट रेफरीज मनीष दिवाकर एंड मनीष पटेल, वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन से रिकग्नाइज्ड, ये रिफॉर्मेशन कप स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो अपने 10वें साल में प्रवेश कर चुका है, 10th ईयर ऑफ द टूर्नामेंट विच स्टार्टेड इन द ईयर 2012। कौसा प्रॉपर्टी, गुड पास देयर, गुड बॉल, बॉल इन द डी एरिया, वेल कंट्रोल्ड एंड विल बी अ कॉर्नर, गुड क्लियरेंस देयर बाय द डिफेंडर, डेंजर को उन्होंने बहुत ही अच्छा क्लियर किया, वहां पर कॉर्नर किक कौसा के खिलाड़ी के लिए मिलेगा, इस कॉर्नर किक को कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा अवश्य जरूरी है इस मैच में वापस आने के लिए। कॉर्नर किक को लेने के लिए खिलाड़ी तैयार, वहां पर खिलाड़ी डी एरिया के अंदर गेंद का इंतजार करते हुए उस मौके के देख को पाना चाहते हैं जहां गोल स्कोर करें। हेडर, रोनाल्डो हेडर का वहां पर एग्जाम्पल मिल सकता था, वहां पर गेंद बॉल आउटसाइड द प्लेइंग एरिया, will be a goal kick, score 1-0 in favor of United Football Club, second half in progress, fourth match of this day. Khalid Chotani sahab, Khalid Chotani sahab, sabiq amir-e-mukami, Jamaat-e-Islami Hind, Mumbra Kausa,
हमारे दरमियान ग्राउंड पर मौजूद हैं। रिफॉर्मेशन कप 2023-22 की मैनेजमेंट की जानिब से खालिद छोटानी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। खालिद छोटानी साहब, साबिक अमीर मुकामी जमा इस्लामी हिंद मुमरा कोसा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही अच्छी फुटबॉल वहां पर, खिलाड़ी की अच्छी कोऑर्डिनेशन, पासिंग जरूर अच्छी हो रही है, लेकिन इस वक्त आवश्यकता गोल की है। यह गोल का चांस हो सकता है। बहुत शानदार फुटबॉल वहां पर डी के अंदर, और लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और खिलाड़ी की जरूरत थी वहां डी के अंदर, लेकिन गोल का चांस जरूर बना, गोल नहीं मिला। ब्रेक में नमाज का नज्म किया गया है, जिन लोगों ने अब तक वजू नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वजू कर लें। ऑडियंस, वॉलंटियर्स, सारे लोग, जो लोग अब तक वजू नहीं किए हैं, प्लीज वजू कर लें, असर की नमाज जमा से अदा की जाएगी। लॉन्ग वाली गोल किक, क्लियरिंग द मिडविल एरिया, वहां पर बहुत ही तेजी से वहां पर यूनाइटेड खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, लेकिन बॉल को छीना वहां पर कौसा के खिलाड़ी ने, फिर अच्छी संघर्ष के साथ बॉल बाहर जाते हुए थ्रो इन मिलेगा। धीरे धीरे ये कौसा का ग्राउंड, अच्छी पासिंग पोजीशन चूके, धीरे धीरे इस मुमरा के फुटबॉल प्रेमी इस मैदान में जमा होते हुए, और बहुत मैचेस आज बाकी, दो रोमांचक जूनियर सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। कौसा प्रॉपर्टी के खिलाड़ी वहां पर, और चांस यहां पर मौजूद, लेकिन गोलकीपर ने अच्छा वहां पर सेव किया, एक चांस था पास करने का, कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन नाकाम। बॉल इस वक्त थ्रो इन बहुत ही तेजी से लेते हुए वहां कौसा के खिलाड़ी पास किया अपने खिलाड़ी की तरफ, अच्छा होल्ड किया बॉल को, बॉल पोजीशन दोबारा यूनाइटेड के पास, डिफेंडर उनके सॉरी बैक डिफेंडर ने क्लियर किया, थ्रो इन कौसा के लिए बहुत जरूरी है कि वो मैच में वापस आने के लिए, एक गोल उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। ये बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद, तेज खेल बैठे, और दोबारा पोजीशन यहां पर यूनाइटेड के पास, पोजीशन खो बैठे, और ये लॉन्ग पास, विल दिस बी अ डेंजर, एंड नो, दैट हिट्स द बार, विल दिस बी अनदर चांस फॉर सेकंड गोल, लूजेस द अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन चांस, पहली मर्तबा बॉल बार को टकराकर वापस, और दूसरी मर्तबा खिलाड़ी हाई खेलते हुए बॉल मैदान से बाहर उन्होंने भेज दिया, और ये गोल किक वहां पर कौसा के गोलकीपर के लिए, सब्स्टिट्यूशन होता हुआ यहां पर कौसा के लिए, अच्छा वहां पर पास तेजी के साथ आगे बढ़कर जाते हुए वहां पर गोल किक संभावना, लेकिन डिफेंडर मौजूद और बॉल को क्लियर किया। ये गोल किक होगा, लेकिन सब कौसा के लिए, दूसरा हाफ तकरीबन अपने समाप्ति की तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत तेजी से, कौसा के लिए एक गोल की बहुत सख्त जरूरत अगर मैच में वापस आना हो, इसलिए कि यूनाइटेड के खिलाड़ी आगे, बॉल को अच्छा कंट्रोल किया, डेंजर हो सकता है वहां पर, यहां पर एक शॉट, लेकिन दोबारा वहां पर गोलकीपर सामने आ चुके थे, और चांस अच्छा क्रिएट जरूर किया था, लेकिन कन्वर्ट करने में नाकाम रहे कौसा के खिलाड़ी, यहां पर बार बार यूनाइटेड के खिलाड़ी वहां पर आगे लेकर जाने में नाकाम, बॉल आउटसाइड द एरिया, थ्रो इन,
अभी तक काफी अच्छी फुटबॉल दोनों तरफ से, लेकिन के लिए एक गोल की तलाश में। अच्छा बॉल वहां पर, तेजी से दौड़कर खिलाड़ी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन जिन लोगों ने अब तक वजू नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वजू कर लें, ब्रेक में असर की नमाज अदा की जाएगी। जिन लोगों ने अब तक वजू नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वजू कर लें, असर की नमाज थोड़ी देर में जमात से अदा की जाएगी। अच्छा टच, अच्छा संभाला, लेकिन रॉन्ग पास, बॉल पोजीशन। बैक टू यूनाइटेड लुकिंग फॉर देयर सेकेंड गोल, ऑलरेडी अहेड इन दिस मैच, वंडरफुल पास बट टू द रॉन्ग प्लेयर, ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी को दे बैठे। यहां पर ये बिल्कुल अच्छा मौका होना चाहिए वहां पर कौसा के लिए बॉल कन्वर्ट करने का, लेकिन इस वक्त दोबारा डिफेंडर चुस्त और बॉल को उन्होंने संभाला, क्लियर करने में कामयाब, अपने खिलाड़ी को बॉल पास करते हुए अच्छी कोऑर्डिनेशन वहां पर, लॉन्ग बॉल मिस हुआ, डिफेंडर वहां पर इनफैक्ट मिडफील्डर ने बॉल को रोका और कौसा के खिलाड़ी बॉल पोजीशन में इस वक्त कामयाब, बॉल को लेकर डी में प्रवेश करते हुए अच्छा रोका, बहुत ही शानदार वहां पर फुटबॉल, लेकिन खिलाड़ियों की तलाश में, लेकिन शूट होना चाहिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और ये देखने को मिलेगा गोलकीपर वहां पर चुस्त, लेकिन डिफेंडर भी उतने ही एक्टिव रहे और गोल का कोई वहां पर संभावना नहीं। बड़े मौके यहां पर कौसा अपने हाथ से गवाते हुए इक्वलाइजर करने में अभी तक नाकाम, 1-0 के बढ़त से यूनाइटेड इस मैच में आगे, तकरीबन अपने आप को अगले प्रवेश में, अपने आप को अगले पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। इस वक्त बॉल पोजीशन दोबारा यूनाइटेड के पास, ब्लू जर्सी के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं, वहां पर कौसा ने रोका, रोकने से काम नहीं चलेगा, लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और गोल स्कोर करना पड़ेगा। इस वक्त पोजीशन बॉल कौसा के खिलाड़ी के पास, पास अच्छा हुआ लॉन्ग वॉली, लेकिन डिफेंडर ने वहां पर कंट्रोल किया, बॉल पोजीशन इस वक्त डी के अंदर क्लियर हुआ। एक और मरतबा अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी पासिंग वहां पर चूक कर, लेकिन डी में आगे बढ़े और वेल क्लियर्ड, शानदार क्लियरेंस वहां पर। यूनाइटेड के खिलाड़ी बिल्कुल इस समय को पूरी तरह से चाहते हैं और उसी तरह कौसा हर सेकंड इस्तेमाल करना चाहते हैं और गोल की पूरी तलाश में। बैक पास, गोल ने रोका, खिलाड़ी को पास करते हुए सेकेंड हाफ के तकरीबन आखिरी लम्बों में हम लोग इस मैच के कंक्लूशन की तरफ जाते हुए, लॉन्ग वॉली, गुड हेडर, वेल क्लियर, दोबारा पोजीशन कौसा के पास, अच्छा डॉच किया, गेंद को आगे लिया, स्लिप हुए वहां पर खिलाड़ी, ओ व्हाट अ शूट दैट वाज, सुपर्ब शूट था, लेकिन कोई खास उसका इंपैक्ट अपने स्कोर लाइन पर नहीं कर पाए खिलाड़ी। अभी भी स्कोर लाइन है 0-1 इन फेवर ऑफ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और बहुत कम समय शायद इस सेकेंड हाफ में बचा हुआ। बॉल पोजीशन यूनाइटेड के पास, फार एंड पे गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए डी एरिया के खराब प्रवेश हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन, लेकिन चूंकि वहां पर खिलाड़ी कोई बड़ा मौका वहां पर अभी क्रिएट नहीं हुआ है, क्रिएट करने की कोशिश, क्रॉस और बॉल आउटसाइड द एरिया, विल बी अ गोल किक। 0 के साथ कौसा, 1 गोल के साथ यूनाइटेड इस मैच पर अपनी गिरफ्त को बनाए हुए अगले पड़ाव में प्रवेश के लिए पूरी तरह वो इस समय को निकालना चाहेंगे। पास तो बहुत अच्छा वहां पर किया, लेकिन इनको बहुत तेजी से गोल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा यहां पर, वरना मैच तकरीबन खत्म होगा। रॉन्ग पास, पोजीशन इन फेवर ऑफ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, फार एंड पे बॉल यूनाइटेड के खिलाड़ी के पास, दोबारा अटैकिंग करते हुए अच्छी कोऑर्डिनेशन, बैक पास मिला, बॉल आउटसाइड द एरिया, थ्रो इन कौसा के लिए, इनफैक्ट फ्री किक, बहुत ही जल्द फ्री किक लिया, पास किया, बॉल को संभाला, खिलाड़ी की तलाश में,
लॉन्ग पास वेल कंट्रोल्ड, क्या दिस क्या ये मौका बन सकता है? पूरा मैदान वहां पर ओपन डी एरिया में, लेकिन ना स्ट्रोक शूट में जान थी, लेकिन गोलकीपर ने आसानी से गेंद को कलेक्ट किया और ये उनके लिए कोई खास फायदा नहीं। लॉन्ग वॉली दोबारा कौसा के पास, बॉल पोजीशन, गोल की बहुत सख्त जरूरत। वहां पर देखिए पूरा मैदान खुला और यहां पर तेजी से दौड़ते हुए यूनाइटेड के खिलाड़ी डी एरिया के अंदर शूट किया, गोलकीपर तैनात, चुस्त कलेक्ट किया बॉल को, वापस कौसा के पास बॉल पोजीशन, गोल की बहुत सख्त जरूरत, पास किया, कोऑर्डिनेशन तो बहुत शानदार लेकिन गोल बहुत ज्यादा जरूरत, रॉन्ग पास, दोबारा यूनाइटेड के पास गोइंद, पोजीशन वहां पर इस वक्त कौसा के पास, दोनों खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यूनाइटेड के खिलाड़ी ने संभाला, वहां पर सीनियर खिलाड़ी ने पास दिया, टच वहां पर शानदार, बैक टू यूनाइटेड, दूसरे गेल की तलाश में, डी एरिया में प्रवेश, गोलकीपर वहां पर बहुत शानदार तरीके से आगे आकर सेव किया, कॉर्नर किक इन फेवर ऑफ यूनाइटेड, लंबे खत के गोलकीपर बहुत ही तेजी से आगे आए और उन्होंने सेव किया, बॉल एरिया से बाहर, कॉर्नर किक यूनाइटेड के फेवर में और ऑलरेडी इस मैच में वो आगे 1-0 से आगे, 1-0 की बढ़त, लीड ऑफ 1-0 इन फेवर ऑफ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, दे वांट टू फिनिश द टाइम ऑफ एंड गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज। दिस मैच इज बीन स्ट्रीम्ड लाइव ऑन यूट्यूब, रेडी फॉर द कॉर्नर किक, दैट्स अ वंडरफुल बॉल।